एक विवादास्पद कदम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के एक विशेषज्ञ पैनल ने तेलंगाना में एक ताप विद्युत परियोजना को पर्यावरण मंजूरी देने की सिफारिश की है, जबकि परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट में कई कमियां गिनाई गई हैं। इन आपत्तियों को दरकिनार करते हुए केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी मंत्रालय के विशेषज्ञ पैनल की सिफारिश के आधार पर परियोजना को अपनी हरी झंडी दे दी है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT ने 27 मई को इस परियोजना की पर्यावरण मंजूरी को स्थगित कर दिया था। 1600 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली ये परियोजना तेलंगाना प्रदेश में करीमनगर जिले के रामागुंडम में स्थापित है। राष्ट्रीय ताप विद्युत कॉरपोरेशन जो इस परियोजना का कर्ता धर्ता है, उसको बिजली उत्पादन शुरू करने के पहले इस संयंत्र के बारे में कई नए अध्ययन का निर्देश दिया गया है। NTPC को यह रास नहीं आया। उसने हरित प्राधिकरण के इस निर्देश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी। बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनवरी 2016 में संयंत्र के लिए जरूरी पर्यावरण मंजूरी दी थी, जिसे NTPC द्वारा तेलंगाना में पहली सुपर थर्मल पावर परियोजना के रूप में देखा जा रहा है। NTPC ने उड़न राख तालाब के भूजल पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने के लिए कथित रूप से अध्ययन नहीं किया था। उड़न राख संयंत्र में कोयले के इस्तेमाल के बाद उसके उप उत्पाद बतौर मिलती है और वह तालाब में जम जाती है। बाद में ये भूजल की गुणवत्ता को भी बिगाड़ देती है। इसमें सिलिका, एल्युमिनियम और कैल्शियम के ऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा होती है। इसमें आर्सेनिक, बोरान, क्रोमियम तथा सीसा जैसे तत्व भी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं।